हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। मैं आपको यहाँ पर नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का नया टॉपिक है सरफेस टेंशन। टॉपिक अपन ने लिया है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हेडिंग जो है यहाँ पर वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखिए क्या होता है। सरफेस टेंशन क्या है, जब भी कोई एक लिक्विड हो और दूसरा कोई गैस हो, जब कोई लिक्विड हो या दूसरा गैस हो, तो उस कंडीशन में जो लिक्विड है और गैस के बीच में एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगती है, परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो उस कंडीशन में जो लिक्विड के सरफेस पर कुछ फोर्स लगने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या है कंडीशन, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि सरफेस टेंशन मतलब है दो इमिसिबल लिक्विड हो जो आपस में मिक्स ना हो। जैसे कि ऑयल और वाटर ले लिया, तो ऑयल और वाटर आप जानते हैं कि वाटर नीचे की तरफ रहता है, ऑयल ऊपर तैरता रहता है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो वाटर के ड्रॉपलेट और ऑयल के पार्टिकल, मतलब वाटर के पार्टिकल ऑयल के पार्टिकल के बीच में फोर्स लगने लगता है, जिससे कि वो मिक्स तो होना नहीं है और उनके बीच में लेयर में फोर्स लगने लगता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और डिफाइन कैसे करेंगे कि द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द गैस। मतलब सिंपल सा है, जो सरफेस है और यहाँ देखो ये लिक्विड हमने पूरा लिया हुआ है, ऊपर गैस है मतलब एयर होगी। तो एयर और यहाँ सरफेस के बीच में जो मैं फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोल देते हैं उसको, सरफेस टेंशन। मतलब दो सरफेस होंगे, दो सरफेस के बीच में लिक्विड ले लिया, एक गैस ले लिया, या इमिसिबल लिक्विड ले लिया, मतलब एक जैसे ऑयल ले लिया दूसरा वाटर ले लिया, तो उनके पार्टिकल के बीच में टेंसाइल फोर्स लगने लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने तीन यहाँ पे मॉलिक्यूल लिए हैं वाटर के, तीन मॉलिक्यूल लिए। देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, एक मॉलिक्यूल सी है। अब आपको समझना है मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है और मॉलिक्यूल सी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल ए की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल ए वाटर में पूरी तरह से सबमर्ज है या इमर्ज है, पूरी तरह से डिप है, पूरी तरह से डिप है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ए है, ये पूरी तरह से डिप है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो फोर्स लगेगा वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो हर एक डायरेक्शन में क्या है, इक्वल। यहाँ लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, यहाँ लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मतलब कहने का है कि जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस। टोटल फोर्स आराम से बैलेंस हो जाएगा। और तो इस कंडीशन में अगर नेट फोर्स बात करें तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं आपस में पार्टिकल, और यहाँ पे हमने जो एक पार्टिकल लिया है, इस कंडीशन में जो फोर्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सभी न्यूट्रल हो रहे हैं। जितने डाउनवर्ड फोर्स हैं अपवर्ड फोर्स के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स हैं वो राइट हैंड साइड के फोर्स के बराबर। तो जो बात करेंगे कि टोटल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस नहीं होगी। दूसरा हमने पार्टिकल भी दिया। अब पार्टिकल भी देखिए थोड़ा सा पूरी तरह से, मतलब डिप तो है, लगभग लगभग डिप है, थोड़ा सा निकला हुआ है, ये पोर्शन इतना निकला हुआ है। तो इस कंडीशन में डाउनवर्ड फोर्स जो है ना, डाउनवर्ड फोर्स ये बैलेंस नहीं हो पाएगा अपवर्ड फोर्स से। बाकी सभी फोर्स तो बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स जो है ना वो अपवर्ड फोर्स से बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो जब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, नेट फोर्स जो रहेगा वो कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस होगी। यहाँ पे जो लेयर है ये एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगेगी, लेयर जो है मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगेगी, तो सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और एक और सी हमने एग्जांपल लिया, ये हेमिस्फेरिकल टाइप का ले लिया, आधा डिप है आधा निकला हुआ है। तो इस कंडीशन में भी देखेंगे कि डाउनवर्ड फोर्स तो बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, ये फ्री सरफेस है, ऊपर जो सरफेस दिख रहा है ये फ्री सरफेस है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स कहाँ लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखो ये वाटर था और ऊपर है गैस, मतलब एयर है, तो गैस और वाटर के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन बन जाती है और उस वो मेम्ब्रेन अंडर टेंशन में होती है। अंडर टेंशन मतलब टेंशन फोर्स में लगने लगता है, तो उसको हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन।
तो इस तरह से अगर हम डिफाइन करेंगे कि टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द गैस, मतलब टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा किसके बीच में एक्ट करेगा, सरफेस है लिक्विड का और गैस के कॉन्टेक्ट में, तो बीच में जैसे नीचे लिक्विड हो गया ऊपर गैस हो गया, तो उसके बीच में जो लेयर कॉन्टेक्ट में आ रही है यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट करने लगे या सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, टेंसाइल फोर्स एक्ट करने लगेगा। और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में भी हो सकता है, जैसे मैंने समझाया कि टू इमिसिबल लिक्विड हो सकते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड कौन कौन से होंगे, जैसे आपने वाटर ले लिया और आपने ऑयल ले लिया, तो ऑयल तैरता रहता है ऊपर और वाटर नीचे की तरफ रहता है, तो उनके बीच में भी मेम्ब्रेन एक्ट करने लगती है, परमियबल मेम्ब्रेन एक्ट करने लगती है, जो जिसमें कि फोर्स टेंसाइल फोर्स लगने लगता है, तो उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। और कॉन्टेक्ट सरफेस जो है ना वो बिहेव करता है लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो समझाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। एक आपने लिक्विड ड्रॉपलेट ली है, इस लिक्विड ड्रॉपलेट पे आपको सरफेस टेंशन बताना है, सरफेस टेंशन क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने एक ड्रॉपलेट ली, ड्रॉपलेट आप जानते हैं स्फेरिकल शेप रहता है, ड्रॉपलेट का जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, स्फेरिकल। तो हमने एक वाटर की ड्रॉपलेट ली, ड्रॉपलेट आप जानते हैं ड्रॉपलेट का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, कैसा होता है शेप, स्फेरिकल। तो इन्होंने एक ड्रॉपलेट ले ली, ड्रॉपलेट का जो शेप आपको दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल शेप, कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल शेप ये दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा, अब हमने इसको हाफ सेक्शन में कट कर दिया, आधा कट कर दिया, स्फीयर को आधा आपने कट कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसकी जो सरफेस है सर्कमफेरेंस दिख रहा होगा, स्फीयर हमने हाफ कट कर दिया, हेमी स्फीयर बन गया, तो इसके सरफेस पर आप देखेंगे ये जो फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, जो एरो के द्वारा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरो, ये है यहाँ पे सरफेस टेंशन, क्या दिख रहा है ये सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, किससे लिखते हैं सिग्मा से, ये सिग्मा सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, ये सरफेस टेंशन कहां पे एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन जो है ये सरफेस पर एक्ट करेगा, कहां पे एक्ट करेगा, सरफेस पर, सरफेस मतलब सर्कमफेरेंस पर, कहां पर ही, सर्कमफेरेंस पर एक्ट करेगा सरफेस टेंशन। तो सेकंड वाले डायग्राम में मैं शो कर रहा हूं सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन कहां पे एक्ट करेगी, सरफेस टेंशन जो एक्ट करेगी वो देखिए कहां पे एक्ट करेगी, एक्ट करेगी कहां पर, पास में कर दिया थोड़ा दिख नहीं रहा था क्लियर, तो सरफेस टेंशन जो एक्ट करेगा वो कहां पर एक्ट करेगा, कहां पर एक्ट करेगा, आप देखिए सरफेस टेंशन जो एक्ट करेगा वो रहेगा सरफेस पर, कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। अब इस तरह से अगर हम बात करें, अब इसमें और आगे हम आपको बात करते हैं कि अब सरफेस टेंशन तो लग रहा है लेकिन अब प्रेशर भी तो लगेगा फ्लूड में, फ्लूड है तो फ्लूड में प्रेशर भी लगेगा, ड्रॉपलेट में प्रेशर भी लगेगा, तो प्रेशर की कंडीशन को हम शो करते हैं, तो प्रेशर आप देखेंगे पूरे एरिया पे लगता है, प्रेशर जो लगता है वो पूरे एरिया पे लगता है, तो हमने देखिए अंदर की तरफ एरो इनसाइड डायरेक्शन में शो किए हैं, और जो प्रेशर लग रहा है वो पी है, प्रेशर क्या लग रहा है, पी है, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है पी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो है ना, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा जो सरफेस टेंशन की वजह से वो होता है इस मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू उसका एरिया जहां पे वो लग रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे कि टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है, टेंसाइल फोर्स वो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा सरफेस टेंशन इनटू जहां पे वो लग रहा है, कहां लग रहा था, सर्कमफेरेंस पर, और इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई डी, इस हेमीस्फीयर का सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई डी, वैसे क्या है? मतलब 2 पाई आर ले लो अब, इसका सर्कमफेरेंस जो आएगा सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस जानते हैं आप, सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, तो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, तो अगर आर को हटा के मतलब डी के टर्म में लिखना चाहें तो लिख देंगे आप पाई डी। तो यहां पे हमने लिख दिया टेंसाइल फोर्स जो होगा इसकी वजह से, टेंसाइल फोर्स होगा वो होगा सिग्मा इंटू पाई डी के बराबर, टेंसाइल फोर्स किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू पाई डी के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना, सरफेस टेंशन की वजह से जो टेंसाइल फोर्स होगा वो होगा सरफेस टेंशन इंटू पाई डी इंटू सर्कमफेरेंस, क्योंकि कहां लग रहा था ये, सर्कमफेरेंस पर, तो अपन को सर्कमफेरेंस लेनी है, सो सिग्मा इंटू पाई डी हो गया। अब निकालना हमें प्रेशर की वजह से फोर्स, प्रेशर फोर्स या प्रेशर की वजह से फोर्स थोड़ा देखेंगे अगर आप, तो देखिए हम एक चीज जानते हैं कि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके अपॉन में आप वन ले लेना, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ए, मतलब अगर हमें प्रेशर की वजह से फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स, तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया।
अब आप जानते हैं, देखिए यहां पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो प्रेशर की वजह से फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, और इसका जो एरिया होता है, एरिया जो लेते हैं हम, जिस जहां पे लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, सर्किल पे ही लग रहा है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। तो आप एरिया ले लीजिए पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, मतलब प्रेशर की, जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू है प्रेशर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना दिख रहा था आपको, पी। एरिया कितना है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ऐसा पढ़ लो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। आपने सर्कल का एरिया पढ़ा हुआ है वैसे भी, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह डी बाई टू रख दीजिए, जैसे आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह रख देंगे डी बाई टू, स्क्वायर लगा के स्क्वायर लगा दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो पी इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। लेकिन सरफेस टेंशन और प्रेशर की वजह से लगने वाले फोर्स हैं, सरफेस टेंशन की वजह से टेंसाइल फोर्स लग रहा, टेंसाइल फोर्स, और दूसरा प्रेशर की वजह से लगने वाला जो प्रेशर फोर्स है, ये आपस में बैलेंस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए सरफेस टेंशन बाहर की तरफ लग रही है तो ये अंदर की तरफ लग रहा है प्रेशर, तो दोनों क्या है, आपस में बैलेंस। तो जब ये दोनों बैलेंस कंडीशन में है तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल। इसको इक्वेशन वन डाल देना, इसको इक्वेशन नंबर टू डाल देना, फिर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए तो मैं यहीं पे करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल कर रहा हूं, तो देखिए क्या आएगी वैल्यू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी इक्वल टू पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर आप बात करेंगे तो हम सिग्मा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो सिग्मा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, या पी की वैल्यू निकालना है तो पी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो देखो पी कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगी वैल्यू, पाई डी स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा और फोर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखो एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पी की जो वैल्यू बची है वो बची है फोर सिग्मा अपॉन डी, फोर सिग्मा अपॉन डी। तो प्रेशर की वैल्यू होगी फोर सिग्मा अपॉन डी। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया कि प्रेशर इक्वल टू हो गया फोर सिग्मा अपॉन डी। इस रिलेशन से हम सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमीटर भी निकाल सकते हैं, प्रेशर भी निकाल सकते हैं। कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन होगी, थर्ड वैल्यू आपसे पूछ रहा होगा तो थर्ड वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। इस तरह से आप थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन डी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको पी की वैल्यू फोर सिग्मा अपॉन डी के बराबर ही आएगी, और ये हमने करके बताया। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉपलेट के केस में ये पी इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन डी आ जाता है। अब इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक बात करेंगे कि नेक्स्ट जो कंडीशन आती है कि सरफेस टेंशन आपको फाइंड करना पड़ता है, किस कंडीशन में फाइंड करना पड़ता है, कि होलो बबल अगर हो या होलो ड्रॉपलेट हो, बबल हो, होलो बबल हो या होलो ड्रॉपलेट हो। तो होलो बबल की केस में बात कर रहा हूं, सरफेस टेंशन ऑन अ होलो बबल, होलो बबल की केस में हम बात कर रहे हैं। होलो बबल्स में देखिए क्या होगा, होलो बबल्स में, होलो बबल्स, तो देखो इस कंडीशन में क्या होना है, सरफेस टेंशन इन होलो बबल, ठीक है, बबल्स लिखना हो या बबल लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, दो चीजें हैं बस, प्रेशर तो सेम लगेगा, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो सेम लगेगा, सेम ही लगेगा, पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर। बस इसमें डिफरेंस क्या है, होलो बबल जो है, होलो बबल दो तरह से मेमोरी, दो ड्रॉपलेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कैसे बिहेव करने लगता है, इसमें दो सरफेस पर सरफेस टेंशन लगेगी, अंदर वाला सरफेस एक बाहर वाला सरफेस। तो अंदर वाले सरफेस पे भी सरफेस टेंशन होगा और बाहर वाले सरफेस पे भी सरफेस टेंशन होगा। तो बस इसमें क्या होगा, जो सरफेस टेंशन की वजह से टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स वो कितना होगा, वो हो जाएगा टू इंटू सिग्मा इंटू पाई डी। मतलब सिग्मा इंटू पाई डी तो एक सरफेस की वजह से होता है टेंसाइल फोर्स, और दो सरफेस की वजह से तो टू कर दीजिए, और प्रेशर की वजह से फोर्स सेम रहेगा। प्रेशर फोर्स जो आएगा, प्रेशर की वजह से जो फोर्स है, प्रेशर फोर्स यो होगा F इक्वल टू, ये सेम रहेगा P इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर की। दोनों को आप बराबर कर दीजिए क्योंकि सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो P इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। अब यहां से आप पी की वैल्यू फाइंड करिए, तो पी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
टू इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी फोर मल्टीप्लाई में जाएगा और अपॉन में चला जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर। अब देखो वैल्यू कितनी आ रही, तो P इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, टू फोर टू जा कितना हो जाएगा एट, फोर टू जा हो गया एट, तो लिख लीजिए एट इंटू सिग्मा अपॉन एक डी बचा था, यहां से एक डी बचा था स्क्वायर था ना, तो एट पी इक्वल टू एट सिग्मा अपॉन डी, तो P की वैल्यू होगी प्रेशर इक्वल टू एट सिग्मा अपॉन डी। तो अगर होलो बबल है तो उस कंडीशन में P इक्वल टू एट सिग्मा अपॉन डी, इस रिलेशन का यूज करके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। मैं आप क्वेश्चन लेके ले लेता हूँ एक दो। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक का बचा हुआ है वो है सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। अब देखिए लिक्विड जेट क्या होता है, लिक्विड जेट में सरफेस टेंशन कैसा होता है ये थोड़ा देख लीजिए। देखें लिक्विड जेट में हम सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, हमने एक लिक्विड जेट लिया हुआ है, लिक्विड जेट है जिसकी लेंथ एल है, इस लिक्विड जेट की लेंथ कितनी है एल, हमने लिया है लिक्विड जेट है, इस लिक्विड जेट की लेंथ है वो एल है और इसका डायमीटर है वो डी है। अब हमने इसका पार्टीशन मतलब कट सेक्शन निकाला, आधा सेक्शन हाफ सेमी जेट जिसको बोलते, तो सेमी जेट पे अगर हम बात करेंगे, सेमी जेट की बात करेंगे तो लेंथ तो एल ही रहेगी, इसकी लेंथ जो है वो एल रहेगी, है ना, लेंथ एल रहेगी ठीक है। और इस पर सरफेस टेंशन जो लग रही वो सिग्मा है, सरफेस टेंशन क्या है सिग्मा। अब जैसे आपने कट सेक्शन निकाल दिया तो ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ इन दोनों लेंथ पे लगेगा सरफेस टेंशन, सरफेस पे ही लगता है, हमने माना कि सरफेस टेंशन सिग्मा है, सरफेस टेंशन क्या है सिग्मा, हमने ले लिया कि सरफेस टेंशन जो है वो सिग्मा है और प्रेशर जो इस पे लग रहा वो पी है, प्रेशर पी है। तो अब इन दोनों की वजह से हम फोर्स निकालेंगे, सरफेस टेंशन की वजह से टेंसाइल फोर्स और प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स, फिर उन दोनों फोर्सेस को हम लोग बराबर करेंगे, आपस में इक्वल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से अगर हम फोर्स निकालें तो कितना आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, हम सेमी जेट की बात कर रहे हैं तो प्रेशर इंटू एरिया ऑफ सेमी जेट, अब प्रेशर इंटू एरिया जो है सेमी जेट का वो है एल इंटू डी, क्योंकि लेंथ है एल और डायमीटर है डी, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया ऑफ सेमी जेट इक्वल टू प्रेशर पी है, सेमी जेट की एरिया एल इंटू डी है। फिर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, लेंथ की दो है एक ये वाली लेंथ एक वाली इस तरह वाली लेंथ, तो सिग्मा इंटू टू एल, सरफेस टेंशन की वजह से जो टेंशन फोर्स है या टेंसाइल फोर्स है वो है सिग्मा इंटू टू एल, सिग्मा इंटू टू एल सरफेस टेंशन इंटू टू एल, लेंथ दो है, अब दोनों को इक्वल कर दो, दोनों फोर्स क्या है बैलेंस है, दोनों फोर्स क्या है बैलेंस कंडीशन में है, जब दोनों फोर्स बैलेंस कंडीशन में होंगे तो आप क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे, तो P इंटू एल इंटू डी इक्वल टू सिग्मा इंटू टू एल, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा सिग्मा इंटू टू एल अपॉन एल डी, पी इक्वल टू टू सिग्मा एल अपॉन एल डी, इन इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो P इक्वल टू आ गया, P इक्वल टू क्या आ गया टू सिग्मा एल अपॉन एल इंटू डी, तो इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आगे बढ़ के एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सूप बबल, फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सूप बबल, अ सूप बबल है, बबल मतलब हॉलो होगा, दो की तरह बिहेव करेगा, तो फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सूप बबल ऑफ 40 mm डायमीटर, डायमीटर कितना गिवन है उसका 40 mm, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन डेटा, गिवन डेटा में देखिए डायमीटर गिवन है, डायमीटर d इक्वल टू गिवन है 40 mm, तो mm को पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 40 अपॉन 1000 करके 1000 आ गया मीटर में, ठीक है एक जीरो से जीरो कट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 100 मीटर, ऐसे लिखकर रहने देते हैं, अगर चेंज करना हो तो ऐसा लिख लीजिए 0.04 मीटर, 0.04 मीटर ठीक है। अब आगे डायमीटर, व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इनसाइड प्रेशर हमें गिवन है, इनसाइड प्रेशर पी गिवन है, कितना गिवन है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था होलो केस, होलो बबल की कंडीशन में हमने पढ़ा हुआ था कि P इक्वल टू पढ़ा था 8 सिग्मा अपॉन D, क्या पढ़ा हुआ था प्रेशर P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D,
पी इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। अब वैल्यू रखिए तो देखिए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू 8 सिग्मा आपको निकालना है, चलिए निकाल लेंगे, पी गिवन है, पी रख दीजिए 2.5 अपॉन डी, डी आपको गिवन है, डी है 0.04, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए क्या आएगी वैल्यू, ये हो जाएगी देखिए 2.5 × 0.04 इन इक्वल टू 8 × सिग्मा, यही आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5 × 0.04 अपॉन 8 इक्वल टू सिग्मा, मतलब इनको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करोगे आप, सॉल्व करोगे तो पॉइंटर यहाँ से रिमूव कर देना, एक दो पॉइंटर यहाँ से रिमूव करना है, दो डिजिट तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, मतलब वैल्यू बचेगी 25 × 4 अपॉन 8, 3 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, 1, 2 और 3 इक्वल टू सिग्मा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, सिग्मा इक्वल टू 25 × 4 कितना होता है 100 अपॉन 8 000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सिग्मा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 80 की वैल्यू निकाल लीजिए तो 1 अपॉन 80 की जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स वो आएगी 0.0125, तो ये होगी सिग्मा इक्वल टू 0.0125, वैल्यू हो गई 0.0125 हो गई न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, सिग्मा सरफेस टेंशन सिग्मा का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ये न्यूटन है, एन लिखा है एन, न्यूटन न्यूटन पर मीटर, ये हो गया सिग्मा इक्वल टू 0.0125 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।